हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको एल्पेक इन कैफीन शैम्पू के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये शैम्पू आपके बालों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप अपने बालों को हेल्थी स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, जड़ों से मजबूत बनाना चाहते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपन बात कर लेते हैं एल्पेसिन कैफीन शैम्पू के बारे में, जो कि गाइस आपके बालों के झड़ने को कंट्रोल करता है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करेगा, बालों की एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, सभी प्रकार के बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, ऑल हेयर टाइप है। इंग्रीडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके बालों को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर है कैफीन, लिक्विड में ये प्रेजेंट है। गाइस यूज करने का तरीका, आपको बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ये शैम्पू लेना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से नहीं करना। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ध्यान रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस आपका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। वैसे तो गाइस ये आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसे इस्तेमाल में लेने के बाद आपके बाल और भी ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसी टाइम आप इसे इस्तेमाल में लेना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।